ये दो तस्वीरों से कांग्रेस की राजनीति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहली तस्वीर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ मंदिर मंदिर घूमकर पूजा करते दिख रहे हैं, अपने प्रदेश में रामायण महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने प्रदेश में रामायण महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस जिस रणनीति पर काम कर रही है, उसके बाद यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के मुकाबले के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। इंडिया और इंडोनेशिया के कलाकार मन आए है, ते अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रूप में रायगढ़ में एकर आयोजन हो थे। विदेशी मेहमान मन के भी ये मंच के माध्यम से मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। छत्तीसगढ़ के रामायण महोत्सव में हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। इतना ही नहीं, पिछले महीने राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने पुजारियों का मानदेय 3 से बढ़ाकर 5,000 किया। और तो और, पिछले महीने ही गहलोत सरकार ने ऐलान किया कि सरकार के अधीन आने वाले प्रदेश के सभी मंदिरों पर पीले रंग की पताका लगाई जाएगी। असल में अगले साल अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होना है और बीजेपी चुनाव में राम मंदिर का श्रेय लेने के लिए मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लग रहा है कि बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब हिंदुत्व कार्ड से ही दिया जा सकता है, इसीलिए पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। अभी 2 दिन पहले ही भोपाल में कमलनाथ की मौजूदगी में बजरंग सेना के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसी हफ्ते कांग्रेस ने प्रदेश संगठन में पंडा पुजारी प्रकोष्ठ और धार्मिक उत्सव प्रकोष्ठ भी बनाया है। जो हिंदू कांग्रेस में हैं, उन लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, इसके लिए धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ का संगठन किया गया। इसमें मेरा काम है अनुष्ठान करते रहना, भगवान नाम का प्रचार करना और धर्म से संबंधित आडंबर विहीन मार्गदर्शन करना। इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते दिख चुके हैं। कर्नाटक में रिजल्ट वाले दिन प्रियंका गांधी भी हनुमान मंदिर पहुंच गई थी।